सारे नूं सति श्री अकाल जी। थोड़ा मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आज मैं थोनू दसूंगी टोपी बनानी। जिमें कि आप चाहते आप दो कलर की टोपी बनाईए पर अपन दो कलर से डिजाइन पाना औखा लगता है क्योंकि हर एक बंदा नहीं पा सकता दो कलर वाला डिजाइन। उहदे वास्ते जी किस तरह उन्न मिलती है दो कलर वाली, कलर अपनी मर्जी मुताबक ले सकते हैं। ये बहुत कलर में आती है जी, मोटी उन्न होंदी है, टोपी बन के तैयार होंदी है। इस तरह इस तरह की उन्न है जी। ये आ लगनी है जी इन सिलाई। सिलाई का नंबर उन्न ते लिखा हुआ होंगे, ये 8 mm की सिलाई है। जदों आपने कुंडे पाने इनू आपने दूरी नहीं जी करना, कैरी दे ही पाने हैं। पहला ही यह बहुत मोटी उन्न है, जिहड़े आपां कुंडे पाउणे आ उह वी इस हिसाब नाल पाउणे आ। जे आपां बरीक उन्न दे जिहड़ी आपां 10 नंबर दी सिलाई नाल बुणदे आ 100 कुंडा पाउणे आ तां इहदे सिर्फ 40 कुंडे पाउणे आ। चलो जी हुण आपां पाउणे आ कुंडे। कुंडे आपां इहदे सिद्धे ही पावांगे। आ देखो जी अपने 40 कुंडे पै गए। हुण आपां करदे आं इहनूं बुनना शुरू। पहली सिलाई अपनी आ गई जी उल्टी।
हूँ आप आ गए जी सीधी सिलाई ते। इनू बुनना भी इस तरह ढिले ढिले ही है, बहुता ज्यादा कसना नहीं, सिलाई भी मोटी है पर बुननी भी ढिली ढिली है। इस तरह के आपे ही रंग ने बदली जाने, इस तरह का डिजाइन ये बन जाना जिमें आ दिखता है। एक सौ चाली ग्राम ऊन है जी ये गोले विच, ये अपनी एक टोपी एन पूरी कंप्लीट बन जानी है। मैं थोड़ा थोड़ा जहा बुन के फिर यहाँ डिजाइन दिखाई है। हाँ जी देखो आह इस तरह डिजाइन बनन लग गया। हाँ जी देखो ये मैं इन्नी बना ली, ये अपने बुननी भले ने है जी, एक पासे उल्टी एक पासे सीधी सिलाई दी जेड़ी यदि आ चीज है जी। ये देखो अपने आप ही जब अपने इन्हें करना है सिलाई करनी है इस तरह इन्हें मुड़ जाना, इस तरह डिजाइन बन जाना यदा। ये करके अपन यह 1.5 इंच फालतू बुननी पैनी है। मैं ये हूँ यदि लंबाई करी है 8.5 इंच, 1.5 इंच आ छी है मैं जी, इन्हें ए पट्टी ने इस तरह मुड़ जाना 7 इंच उपर होर करी मैं, फिर 8.5 इंच करी जानो कि कुल। उस तो बाद मैं ये अद्धे कुंडे करके, एक कुंडा तो मैं ये आ विचाले बुला लिया सीधा, एक इधरों लिया एक इधरों लिया, दो दा एक बना के मैं थोनों बना के दिखाई है किमें बना। 3 हिस्सों में अपा ने इनू वंड लेना जब घटा है, क्योंकि ये कुंडे मोटे हैं, नहीं तो आम टोपी के अपना 5-6 जगह आप कुंडे घटाने हैं तो वो काट ठीक आती है। ये मोटी करके अपने 3 क जगह ही बस इनू घटा है। इस तरह देखो आ विचाले सेंटर च कुंडा जोड़ा ये चैन बननी है जी। अपने दोनों इदा करके एक इधरों लिया एक इधरों लिया, दो दा बनाया अपना एक इस तरह जी, एक इधरों दो दा एक बना के जिहड़ा सेंटर वाला कुंडा इहनू अपने उपर नूं इहदे इस तरह टपा देना, इस तरह चैन जी बन जानी है। ये अपने सीधे विचे घटाउणा क्योंकि अपने ये पूरी सीधी बुनी है, इहदे च उल्टा कुंडा कोई नहीं पाया। जब अपने इनू घटा शुरू करना 3 हिस्सों च, फिर अपने बचाला कुंडा बचाले पहला अद्ध करके बचाले एक कुंडा रख के, एक कुंडा इधरों लेके एक इधरों लेके घटा के जाली बनानी है। फिर इतने अपना थोड़े जे कुंडे ज्यादा रखने हैं, सैड से घट रखने हैं कि सैड से एक पासे एक कुंडा आना है, इधर दोनों पासों तो आने हैं। ये करके जे इधर 10 कुंडे हैं तो इधर अपने 6 के रखने हैं। उल्टी सिलाई अपनी पूरी बन जानी है उल्टी। ऊन मोटी होने करके यह छेती वो बन के तैयार हो जाती है। एक गोला यह हैगा तो 140 ग्राम का, 140 ग्राम च अपनी एन पूरी बड़ी कैप बन के तैयार हो जानी 2 कलर की। कलर अपनी मर्जी नाल 2 कलर 3 कलर
ਕਈ ਕਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 16 ਕੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਜੀ ਬਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਬੁਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਬੰਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸੂਈ ਪੂਰੇ ਮੋਟੇ ਨੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਨੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉੱਨ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਟੋਪੀ ਦੀ। ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਲਾਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਕੁੰਡੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਹੋ ਗਈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਦੋ ਕਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ